दिनहाटा में भूतपूर्व मंत्री फजल हक के साथ मुलाकात करने के साथ ही प्रातः भ्रमण कर लोगों के साथ तृणमूल कांग्रेस के युवा संगठन अध्यक्ष अभिजीत देव भौमिक ने बातचीत की। दिनहाटा शहर के चौराहाट बाजार इलाके में स्थित फजल हक के घर पर वो उनसे हालचाल पूछने के लिए पहुंचे थे। दोनों के बीच काफी समय तक बातचीत भी हुई, जिसके बाद भूतपूर्व मंत्री ने कहा कि दोनों के बीच पुराने संबंध है और ये भविष्य में भी रहेंगे। वहीं युवा संगठन के अध्यक्ष ने भी इसे व्यक्तिगत संबंध बताया। हक साहेब हमारे अनेक बड़ नेता आज के जो भाव एक साम्प्रदायिक वातावरण तैयारी कर संघ परिवार ताते डॉक्टर हाजी मोहम्मद फजल हक साहेबर का आवेदन करते इलाम दिनहाटा शहरे पातब भ्रमणे एसे तार बाड़ीते एसे जे तिनी जाते आमादेर नेत्री মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে आशीर्वाद दीते एगिए आसें परोक्षे ताके दले जोगदान करबारो आह्वान करलाम। आमी अत्यंत क्षुद्र नेता तार शारीरिक अवस्थार खोज खबर राखलाम। तार पुत्र আজিজুল হক तार साथेओ कुशल बिनिमय करलाम। आगामी दिने जाते एकसाथे एई पथे चलते पारि साम्प्रदायिक शक्तिर बिरुद्धे दिनहाटा सीताई विधानसभा केंद्रे আমাদের শক্তি আরো বেশি সুদৃঢ় হবে যদি এই মানুষগুলো দিদিকে আশীর্বাদ করে পাশে এসে দাঁড়ান, এই আবেদনই করলাম। পন্থী দলগুলোতে থাকেই, কংগ্রেস দলেও আছে, বিজেপিতেও আছে, সেটা থাকে, কিন্তু সবার জায়গা নির্দিষ্ট থাকে। মোহাম্মদ ফজল হক অনেক বড় মাপের নেতা, নেত্রী যদি তাকে পান অবশ্যই তার সম্মান তার আলাদা জায়গায় হবে। কি বললেন তিনি? নেত্রীর প্রতি তো তার একটা ভালোবাসা স্নেহ তো আছেই। এর আগে দিনহাটাতে উনি বড় সভা করিয়েছেন মমতা দিকে দিয়ে, সে কথা উল্লেখ করলেন। সিটির इस रोड कुछ बिहार